यह है मैनेस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर महाराष्ट्र सामने आ रही है, कोविड-19 के 1000 से अधिक नए मामले दर्ज, मरीजों के लिए 25 समर्पित अस्पताल शुरू। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन जी ने कहा कि कोविड-19 के तहत 1100 नए मामले के साथ महाराष्ट्र सरकार ने गंभीर मामलों के इलाज के लिए अन्य सभी व्यवस्थाओं के साथ मरीजों के लिए 25 समर्पित अस्पताल शुरू किए हैं। कोविड-19 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए महाजन ने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डीन के अलावा डॉक्टर अश्विनी जोशी, राजीव निवातकर, डॉक्टर दिलीप मैसरकर, डॉक्टर अजय चंदनवाले, प्राचार्यों सहित अपने विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। मंत्री ने आदेश दिया है कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में काम करने वाले सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारी संक्रमण से बचने के लिए फेस मास्क पहने। आदेश में यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर लोग भी एहतियात के तौर पर बृहन मुंबई नगर निगम के समान आदेशों का पालन जरूर करें। मंत्री ने कहा राज्य सरकार किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। सरकार के पास 5000 से अधिक कोविड बेड, 2000 वेंटिलेटर, 62 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक, 37 पीएसए प्लांट, 2000 जंबो और 6000 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रतिदिन 30000 से अधिक की क्षमता वाली परीक्षण सुविधा है। साथ ही सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे मरीजों, विशेष रूप से कमजोर समूह के साथ ही टीकाकरण की व्यवस्था के लिए सभी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र में 6102 एक्टिव मामले हैं। राज्य में कोविड-19 के 1100 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। आरजेडी के अंबेडकर परिचर्चा संपन्न, तेजस्वी ने कहा अंबेडकर वादियों, समाजवादियों पर हो रहा प्रहार। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल का 3 दिवसीय अंबेडकर परिचर्चा बुधवार को समाप्त हो गई। परिचर्चा के अंतिम दिन तेजस्वी ने विरोधियों पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वह काफी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर वादियों और समाजवादियों पर लगातार प्रहार हो रहा है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की साजिश का चल रही है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन के अवसर पर संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी पार्टी द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होते रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा आयोजन हुआ जिसमें पार्टी के चुने हुए लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। यादव ने कहा कि देश के इतिहास और ऐतिहासिक विरासत को बदलकर अपने अनुसार इतिहास गढ़ने का प्रयास हो रहा है। यादव ने कहा कि भाजपा को बिहार से खतरा है, इसलिए बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के सवाल पर फेक खबरें चलाई गई और फिर बिहार शरीफ और सासाराम में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि हमें इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम को गांव-गांव तक ले जाना है और वैचारिक रूप से मजबूत करना है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए बिना किसी के नाम लिए कहा कि वे लोग आज इतने डरे हुए हैं और हताश हो गए हैं कि कोई आधार नहीं रहने के बावजूद सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल होकर रहे, जिसका उद्देश्य न्यूज बनाना और मेरी छवि को खराब करना है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि अंबेडकर परिचर्चा के अगले चरण में आगामी 26 अप्रैल से 2 मई तक राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। पीएम मोदी ने एप्पल सीईओ के साथ भारत के तकनीकी संचालित परिवर्तनों पर चर्चा की। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि वह देश भर में विकास और निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। कुक, जो मुंबई और दिल्ली में कंपनी के प्रमुख रिटेल स्टोर लॉन्च करने के लिए भारत में है, उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत के लिए
पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कुक ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट में कहा, गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम भारत के भविष्य पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव के आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। शिक्षा और डेवलपर से लेकर विनिर्माण और पर्यावरण तक हम देश भर में बढ़ने और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी जी ने जवाब दिया, आपसे मिलकर खुशी हुई टीम कुक। विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत में हो रहे तकनीक संचालित परिवर्तनों को दिखाने में प्रसन्नता हुई। एप्पल अपनी खुदरा उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ भारत में अपने विनिर्माण में तेजी ला रहा है। एप्पल ने 2017 में भारत में आईफोन का निर्माण शुरू किया और तब से कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ नए आईफोन मॉडल को इकट्ठा करने और घटकों की बढ़ती संख्या का उत्पादन करने के लिए काम किया है। INS द्वारा एक्सेस किए गए CMR डेटा के अनुसार स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पुश और आगामी व्यापक रिटेल स्टोर रणनीति के बीच एप्पल ने वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत में $7.5 बिलियन मूल्य के आईफोन और आईपैड भेजे।